भिलाई में आयोजित 3 दिवसीय अंडर 17 राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। प्रतियोगिता में प्रदेश भर के करीब 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ शतरंज संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के बालक वर्ग में रायपुर के शुभांकर बामलिया ने तथा बालिका वर्ग में कोरबा जिले की परी तिवारी ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। वहीं रियांश चटर्जी व अलंकृता महाराणा को बेस्ट बस्तर तथा यजनेश गुप्ता को बेस्ट सरगुजा अवार्ड से सम्मानित किया गया। समापन समारोह के अतिथियों द्वारा विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। शतरंज संघ के प्रदेश सचिव हेमंत खूटे ने प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि फीडे पद्धति से खेली गई इस प्रतियोगिता के आधार पर राज्य की टीम का गठन किया गया, जो आगामी माह में चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। वहीं प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इसके लिए उन्होंने खूब मेहनत की थी और राष्ट्रीय स्पर्धा में वे बेहतर प्रदर्शन की कोशिश करेंगे। शतरंज संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि ये जो चैंपियनशिप थी छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ द्वारा आयोजित, जिसमें अंडर 17 के बॉयज़ और गर्ल्स कैटेगरी के बच्चों ने हिस्सा लिया था, इस स्पर्धा के आधार पर प्रदेश की टीम बनी है, जिसमें से दो दो बच्चे दोनों अलग अलग कैटेगरी से आगामी चंडीगढ़ में राष्ट्रीय स्पर्धा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। और यह स्पर्धा फीडे रूल्स के अनुसार खेली गई थी और स्विस लीग पद्धति के आधार पर 7 चक्रों में प्रतियोगिता संपन्न हुई। आगामी हमारी योजना है कि जो चयनित बच्चे हैं उनके लिए हम कैंप करें, ताकि बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सके। और ये शुरुआत इस प्रतियोगिता थी, हम 3 महीने के अंदर 5 रेटिंग चैंपियनशिप करने जा रहे हैं। कैसा प्रदर्शन रहा है पिछले 5 वर्षों से बच्चे प्रदेश इस राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश से बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं और स्कूल चैंपियनशिप में भी बच्चों की प्रदर्शन काफ़ी सराहनीय रहा है। इसके लिए बच्चे लोग को जो सुविधाएं मिल रही है प्रदेश शतरंज संघ की तरफ से, एक तो प्रवेश शुल्क भी बहुत कम रहता है और सभी खिलाड़ियों के लिए रुकने की निःशुल्क व्यवस्था रहती है। और खिलाड़ी जब बाहर खेलने जाते हैं तो उनको आने जाने का यात्रा व्यय और जो भी सुविधाएं हैं जो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ प्रधान रखी हुई है, वो सब सारी फैसिलिटी बच्चों को दी जाती है। मैं हेमंत खूटे, राज्य सचिव छत्तीसगढ़। चैंपियनशिप जीत के बहुत अच्छा लग रहा है, और क्योंकि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट था और इस साल छत्तीसगढ़ में ये फर्स्ट रेटेड टूर्नामेंट हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है जीत के और ये कप अपने साथ ले जाके, और कोरबा का नाम रोशन हो रहा है छत्तीसगढ़ में। बस नेशनल में अब छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना है, फिर इंडिया का नाम रोशन करना है। मैं परी तिवारी, कोरबा छत्तीसगढ़ से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहा था जब से डेट आई थी, और अभी जुलाई में नेशनल होगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मुझे ये मौका मिल पाया कि मैं अपने राज्य को, अपने राज्य का नाम आगे लेके जा सकूं राष्ट्रीय स्तर पर। और मैं अपने माता पिता को और कोचेस को धन्यवाद कहना चाहूँगा, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये काफ़ी अच्छा मुकाबला था, और हर आधे पॉइंट के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत कड़ी टक्कर के लोग थे, रायगढ़ से आए थे, बिलासपुर से आए थे, उनसे खेलना काफ़ी कठिन था, तो अच्छा लग रहा है, अब मेहनत का फल मिलता है तो अच्छा लगता है। मैं शुभांकर, रायपुर से।